नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, अगर हमारे घर कंजक पूजन भी ना होता हो, या फिर हम कलश स्थापना भी ना करते हो, या हम अखंड ज्योति भी ना जलाते हो, या हमारे घर में सुबह शाम ज्योत बत्ती भी ना लगती हो, तो क्या हम नवरात्रि व्रत कर सकते हैं या नहीं। देखिए, चाहे आपके घर में ये सभी काम नहीं होते तो भी आप नवरात्रि व्रत कर सकते हैं। चाहे आपने एक व्रत करना हो, चाहे आपने दो व्रत करने हो, चाहे आपने पूरे नवरात्रि व्रत करने हो, आप नवरात्रि व्रत रख सकते हैं। ऐसा करके भी आप मैया को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न होकर मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगी। रही बात व्रत को खोलने की, जब आप व्रत को खोलें तब आप मैया के मंदिर में जाकर 11, 21, 52, 31 जितने आपका समर्थ हो उतने रुपए पैसे की राशि आप दान पेटी में डाल दें, क्योंकि ऐसा करने से जो राशि आप दान पेटी में डालेंगे वो राशि आपकी मंदिर के कामों में यूज होगी और आपको आपके व्रतों का पूर्ण फल भी मिलेगा। मैया से प्रार्थना करें कि माँ, मैं इतना ही कर सकती थी और मेरे व्रतों को सफल करना और मेरी जो भी कामना है उसे पूर्ण करना। अगर व्रत करते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। इस तरह आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते तो आपके घर में कोई बेटी है तो उसे भी आप इस रुपये पैसों 11 रुपये तो उसे भी आप 11 रुपये 21 रुपये 52 रुपये देकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बेटी नहीं तो आस पड़ोस में भी इस राशि को दे सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी इस राशि को दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।